गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आप पढ़ रहे थे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीमार होने का कारण हम स्वयं होते हैं। हम जानते हैं कि इस चीज़ों से हम बीमार हो सकते हैं, लेकिन भी हम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए सदुपयोग होती है, उन चीज़ों का हम दुरुपयोग करते हैं। तो ये सब हमें क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। सभी जानते हैं कि गरिष्ठ भोजन को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग गरिष्ठ भोजन खाते हैं। बाज़ार में मिल रहे भोजन जैसे चाट पकौड़े, अन्य चीज़ें बच्चे खरीदते हैं और खाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। हमने बताया था कि स्वास्थ्य तीन प्रकार से होता है, एक मानसिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा क्या था, शारीरिक। तो हमें तीन रूपों से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। हमने इसमें आपको बताया था कि स्वास्थ्य क्या है और तथा स्वास्थ्य का महत्व क्या है। इसके बाद हमने आपको बताई थी कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं हमारी क्या है, और उसमें हमने चार भाग उसके बताए थे, जिसका पहला भाग था सामाजिक वातावरण, दूसरा भाग था जन स्वच्छता, तीसरा था उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार, और चौथा था सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। ठीक है, तो जो पहला था आपका क्या था, सामाजिक वातावरण, तो वही हेडिंग डालेंगे सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, सामाजिक वातावरण कैसा होता है, अगर हमारे आसपास का माहौल कैसा हो, शांत हो, अच्छा हो, तो हमारा सामाजिक वातावरण कैसा होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। और हमारे जैसे आसपास के मोहल्ले के लोग या पड़ोसी लोग कैसे हैं, खराब हैं, जो दिन भर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, घूमते हैं, आवारा हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, तो इनसे क्या होगा, हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे और वैसे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो चलिए इसके अंतर्गत लिखेंगे, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे भौतिक वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण हमारे भौतिक वातावरण को निर्धारित करता है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे वातावरण को निर्धारित करता है। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, जैसे कस्बा शहर, जैसे कस्बा शहर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। समझ में आया सभी को? तो कारक है कि नहीं है, जैसे गांव है, कस्बा है या शहर है, तो हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं है। जैसे हम गांव में रह रहे हैं, तो गांव के लोग कैसे हैं, प्रेम श्री है कि नहीं है, मिलनसार है कि नहीं है। अगर वो अच्छे होंगे तभी तो आप उनके बीच रह पाएंगे, और वे अच्छे नहीं होंगे तो आप उनके बीच नहीं रह सकते। इसी प्रकार से शहर गए, कोई अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है, लेकिन शहर का माहौल उससे ज़्यादा खराब है, वहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी से मतलब भी नहीं रखता है। पड़ोसी रात में चिल्लाता रहे कि बचाओ बचाओ, लेकिन दूसरा पड़ोसी निकल कर भी बाहर नहीं आएगा, वो क्या कहेगा, जो होगा सुबह देखा जाएगा, है ना। उससे अगर पूछा जाए कि सुबह यहाँ रात में क्या हुआ था, कौन आया, वो क्या कहेगा कि हमें मतलब नहीं है, हमने नहीं देखा। लेकिन गांव में स्थिति कैसी होती है, अच्छी होती है, मिलनसार होती है, कि गांव में अगर कोई आवाज़ लगा दे तो सभी लोग अपने घर से निकल आते हैं, कोई प्यासा है तो पानी भी पिला दिया जाता है, उसे रोक भी लिया जाता है। अब अगर, और शहरों में क्या है, क्राइम बहुत है, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, शोरगुल बहुत है, तो ये क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर देता है। तो देखिए, स्वास्थ्य रिलेटेड हो गया, जब हमारा माहौल कैसा होगा, गंदा होगा, वातावरण शांत नहीं होगा, तो हमारा क्या स्वास्थ्य ठीक होगा,
नहीं होगा। तो ये था आपका सामाजिक वातावरण। अब हेडिंग डालेंगे जन स्वच्छता, हेडिंग डाल लीजिए जन स्वच्छता। जन स्वच्छता, जन स्वच्छता, जन स्वच्छता में लिखेंगे यदि हमारे आसपास के कूड़े करकट, यदि हमारे आसपास के कूड़े करकट का किसी संस्था द्वारा, यदि हमारे आसपास के कूड़े करकट का किसी संस्था द्वारा उचित निपटारा ना किया जाए, संस्था द्वारा उचित निपटारा ना किया जाए तो खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं, तो खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए इन्होंने बताया जन स्वच्छता, जन स्वच्छता का मतलब होता है अपने आप स्वयं को कैसे रखना, स्वच्छ रखना। जैसे हमें दिन में प्रत्येक दो बार कम से कम स्नान करना चाहिए, सुबह प्रातःकालीन, और हमें देर से नहीं उठना चाहिए, है ना। हमें अपने घर की पूरी सफाई धुलाई और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, और DDT का छिड़काव करना चाहिए जिससे मच्छर कीड़े उत्पन्न ना हो सकें। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, वे 9 बजे सोकर उठते हैं, 12 बजे नहाते हैं, तो क्या उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो ये ऐसी क्या जन स्वच्छता बनी रहेगी, नहीं। तो यही इन्होंने बताया कि हमारे आसपास का वातावरण, जो जहाँ हम रहते हैं और हमारे आसपास कूड़े करकट का ढेर, वहीं खाया, कुछ लोग क्या करते हैं वहीं खाया, उन्होंने थाली खिसका दी उसमें मक्खी भिनक रही है, रात में खाया वहीं लोटा रख दिया, वहीं गिलास डाल दिया, और गुटखा खाया या कुछ खाया और बिस्तर के पास लेटे हैं वहीं पास में थूक दिया करते हैं। तो इससे क्या आप स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ नहीं रहेंगे और जो घर में है वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो हमें क्या, जैसे घर में पानी जमा हुआ है तो घर में पानी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे व्यक्तिगत को खराब कर देती है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिखा, यदि हमारे आसपास के कूड़े करकट का किसी संस्था द्वारा, अब जैसे देखिए संस्था द्वारा जैसे नगर पालिका सभी होती है तो वो क्या करती है, कूड़ा करकट उठाती है और नालियाँ साफ करती है। अगर ये संस्था नहीं होती तो किसे करना पड़ता, हमें स्वयं को करना पड़ता। तो यही समझ लें कि ये क्या है, हमारा घर है, हम अपने घर के सब लोग अपने घर के पास आगे का कूड़ा करकट ढेर अगर साफ करने लगे तो जो सफाई की समस्या है वो क्या होगी, अपने आप से दूर होने लगेगी। लेकिन क्या देखते हैं, अरे हमारा घर तो साफ है, हमें क्या करना, दूसरे के पड़ोसी के घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं। उसने देखा ये किसी ने हमारे घर के सामने डाला पॉलीथीन में भर के, उसने रात में उठा के किसी और के पॉलीथीन के सामने डाल दिया और उसे सुअरों ने गाय ने उसे पूरा फैला दिया, जिससे गंदगी फैली और बीमारियाँ उत्पन्न हुई। अब एडिंग अगली डालेंगे उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार। उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार, उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार। इस देखिए उत्तम आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि उसकी आय कितनी है, वह किस प्रकार से कमाता है खाता है, उसका रोजगार क्या है। तो लिखेंगे स्वास्थ्य प्र, जब देखिए उत्तम स्थिति आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छे भोजन को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो लिखें स्वास्थ्यप्रद भोजन, स्वास्थ्यप्रद भोजन उचित रोजगार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्यप्रद भोजन उचित, स्वास्थ्यप्रद भोजन उचित रोजगार द्वारा ही, उचित रोजगार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
इसके लिए कार्य के अच्छे अवसर, इसके लिए कार्य के अच्छे अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यह भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की यह भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। समझ में आ गया सभी को कि स्वास्थ्यप्रद भोजन रोजगार द्वारा ही प्राप्त किया जाता। अब कोई कमाता है नहीं तो क्या अच्छा खा पाएगा? कोई घर में लेटा हुआ आलस से है और कमाने जाता नहीं है तो क्या अच्छा खा पाएगा? वो नहीं खा पाएगा। तो स्वास्थ्यप्रद भोजन जब प्राप्त नहीं होगा तो क्या उसकी स्थिति कैसी होगी? गंभीर, है ना। चलिए अब लिखेंगे, अगली हेडिंग है सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। सामंजस्य का क्या मतलब होता है? कि सबसे मेलजोल बनाए रखना, सबके साथ घुल मिल जाना, है ना, कि हमारा इनसे सामंजस्य है। लिखेंगे स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु हमारा प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें समाज के साथ मधुर संबंध रखने चाहिए। तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आया समझ में? कि स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु, अपने आप को स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और हमें समाज के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए? मधुर, यानी कि उनसे सबके बना के चलनी चाहिए। और हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो वह हमसे लड़ेगा, झगड़ेगा, तो क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे? नहीं होंगे। तो ये जो आपकी थी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएँ, चार प्रकार की, तो चारों प्रकार की कम्प्लीट हो गई। अब लिखेंगे स्वस्थ तथा रोग मुक्त में अंतर। स्वास्थ्य तथा रोग मुक्त में अंतर। एक तरफ लिखेंगे स्वास्थ्य और दूसरी तरफ लिखेंगे रोग मुक्त। स्वस्थ में लिखें नंबर एक पहला पॉइंट, यह शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है। लिखा पहला आपने, यह शारीरिक मानसिक व सामाजिक
रूप से स्वस्थ होने की स्थिति। अब इसमें लिखेंगे रोग मुक्त में, यह शरीर के अंगों के मध्य, यह शरीर के अंगों के मध्य असुविधा ना होने, अंगों के मध्य असुविधा ना होने व उनके कार्यों में समन्वय की स्थिति है, वह उनके कार्यों में समन्वय की स्थिति है। नंबर सेकंड लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखेंगे स्वस्थ में, यह व्यक्ति के साथ साथ, यह व्यक्ति के साथ साथ उसके भौतिक, यह व्यक्ति के साथ साथ उसके भौतिक व सामाजिक, यह व्यक्ति के साथ साथ उसके भौतिक व सामाजिक वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। अगले नंबर रोग मुक्त में लिखेंगे सेकंड, यह केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित है, यह केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित है, यह केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित है। नंबर थ्री लिखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त होता है। अब रोग मुक्त में लिखेंगे, रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ का, रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ, रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगला नंबर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्वस्थ में, स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान तथा, स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान तथा आवश्यकता अनुसार कार्य करने में, स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान तथा आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सक्षम होता है, आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इस पे रोग मुक्त में, लिखेंगे रोग मुक्त व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, रोग मुक्त व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता उसके व्यक्तित्व स्वभाव व व्यवहार पर निर्भर करता है, स्वभाव व व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था आपका स्वस्थ तथा रोग मुक्त में अंतर। तो इसी के साथ ये डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। इसके बाद कल हम आपको बताएंगे रोग, यानी कि रोग डिसीज, रोग कैसे फैलते हैं और इनके निदान क्या है। और सभी बच्चों, ये आपका लास्ट ही चल रहा है चैप्टर।